आज हम बनाएंगे नए तरीके का डोरा केक, जो हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर पसंद होता है वही। तो आज हम चलते हैं घर में बनाने लिए। मैं ऐसे तरीके से बनाऊंगी कि हमें बाज़ार से मंगवाना पड़ता है, कि हम घर पे नहीं बना सकते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तरीके से बनाऊंगी जो आप मेरे तरीके से बना सकते हैं, और अब हमें बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी ऐसे देखिए कितना बढ़िया आप घर पे बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से बनाऊंगी, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बच्चे कभी भी बोलेंगे तो आप बना देंगे, क्योंकि ये सामान घर का सबके पास ही रहता है। तो चलते हैं आगे की ओर। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पैनकेक। तो मैंने ये पैनकेक बनाने के लिए मैंने इसे रेडीमेड मंगवाया है, ऑनलाइन मंगवाया है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और या फिर आप अपने घर के सामान से, मैं वो आपको आगे बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या लगता है। तो मैं इसके ही द्वारा मैं रेडीमेड पाउडर मंगवाया है, तो मैं इससे ही बनाऊंगी। इसके लिए मैंने दूध लिया है, नॉर्मल दूध है, रूम टेम्परेचर। तो इसका हम एक लिक्विड फॉर्म बनाएंगे। हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ये रेडीमेड आता है, बस इसमें सिर्फ दूध मिला के इसे बनाना है। लीजिए, तो हम इसे एक इसका बढ़िया सा बैटर बना लेंगे। देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है। इसमें जो भी लम्स हैं इनको हमें इतना फेंटना है कि इसके लम्स पूरे इसी में मिल जाए, एक भी लम्स ना रहे इसमें। देखिए ये बैटर तैयार हो चुका है। देखिए जैसा हमें चाहिए वैसा ही हो चुका है, और हाफ बाउल दूध लगा है। तो इधर अब हम गैस पर एक पैन रख देंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। इसमें हाफ चम्मच घी डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। आप बटर या घी जो आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, और इसे हम पोंछ लेंगे। पोंछना क्या है, हम पूरे इस पैन में लगा देंगे, पूरा ही हमारा ये चिकना हो जाए। और गैस की फ्लेम लो रखेंगे हम ये बना रहे हैं डोरा केक, क्योंकि बच्चों को डोरेमोन पसंद है, डोरेमोन को डोरा केक पसंद है। तो अब चलते हैं, आप ये कुछ सेट कर लें जिससे बनाने के लिए। तो मैंने ये छोटी सी कटोरी ली है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। लीजिए गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो रखना है, और इसे 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे। लीजिए इसको हम ढक देंगे, उसके बाद इस आपको 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी। जी अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम बड़ी स्लोली से, आराम से इसे हम पलट देंगे। इसे हमें कुछ सेकेंडों के लिए, 20 से 25 सेकेंड इसे इसी तरह से हम पलट के भी सेक लेंगे। देखिए ये तैयार हो गया है, अब हम इसको आराम से निकाल लेते हैं। लीजिए बाकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो आपको दोबारा बनाना है तो आप अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, ताकि तवा एक गर्म होता है तो ये ठंडा हो जाता है, तब आप दूसरा डालें, नहीं तो इसमें चिपक जाएगा और ये टूट जाएगा। देखिए ये दूसरा भी बन के तैयार हो गया है। अब गैस को बंद करके और इसे
ठंडा करने के बाद डालेंगे हम इसमें तीसरा। देखिए बस समय पलट के कुछ सेकंडों के लिए सेकना होता है। अभी मेरे तीन बनके तैयार हो गए हैं, बढ़िया। ये फिल्पी हैं, सॉफ्टी हैं देखिए। और अब इनको हम आपको कटिंग करके भी दिखाते हैं। दीजिए बढ़िया से नरम है। अब हम इनको ऐसे काट लेंगे। देखिए कट भी कर दिए हैं, देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हो गए हैं। बच्चे भी खुश और आपकी मेहनत भी बची। अच्छा जो हमें घर पे बनाना, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, ये तो जो मैंने रेडीमेड मंगवाया है, ऑनलाइन शॉपिंग की है, आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आपके मार्केट में भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, तो मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको बताऊंगी कि घर के सामान से हम कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें कितने ड्राई फ्रूट्स हैं और ये कितना ही बढ़िया है, ये सॉफ्टी है। आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बच्चों को यही तो पसंद होती है चॉकलेट। तो लीजिए बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊं कि जो आप घर के सामान से बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको जैसे गेहूं के आटे के बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा 1 कप, या आप मैदा का बनाना चाहें तो 1 कप मैदा, 1/2 कप शुगर पाउडर और 1/2 कप मिल्क नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और उसमें आपको लेनी होगी शहद, हनी, मधु 1 टेबल स्पून। तो बस उसके बाद आप उसे मिक्स करके आप बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है बैटर, ऐसा ही आपको बनाना है स्मूथ। और बस इसमें डालने का, फ्राई पैन में डालने का, आपके जो नॉनस्टिक का तवा होना चाहिए उसमें डालने का यही तरीका होता है। उसे आप गैस पे रखिए स्लो आंच में, थोड़ा सा उसमें घी डाल के पूरे में टिश्यू से जैसे मैंने किया है आपको वैसा ही करना है। और ऐसे करने के बाद आप उसमें जो आपको बैटर है वो आप डाल दें, तो ये आपका तुरंत बनके तैयार हो जाएगा। मैंने रेडीमेड मंगाया है पैकेट, तो मैंने उसका बनाया है। और ये पैकेट आप चाहें तो आप देख लें तो मंगवा सकते हैं। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये मार्केट से ऑनलाइन मंगवाया है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ऐड नहीं किया है मैंने इसका। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और चैनल मेरा सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर करें, साइड में बेल आइकन है। और आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें अपने बच्चों को, डोरेमोन, डोरा केक, पैन केक, जो भी आप बोलें बना के खिलाएं, तो आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। छोटी मोटी पार्टी में आप फटाफट घर में बना लीजिए और सभी को सर्व कर दिए, बच्चों को, सब बच्चे खुश हो जाएंगे। वाह वाह।